हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मामा। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरत्न कोरमा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पनीर को स्क्वायर में काट लिया है और सबसे पहले हम पनीर फ्राई करने रख देते हैं और फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ। तब तक हमारा पनीर फ्राई हो जाएगा। और इसके लिए मैंने लिया है छोटी कटी हुई गोभी और थोड़ा सा मटर, जितनी क्वान्टिटी का आपको बनाऊँगा। और 2 टीस्पून मैंने मगज के बीज लिए हैं और मैंने ये खसखस का पेस्ट बना के रखा है। इसको कम से कम 5-6 घंटा पिंगाना पड़ता है और उसके बाद आप मिक्सर में पीस लीजिए। तो 2 टीस्पून मैंने ये पीस कर रखा हुआ है। और फिर मैंने लिए हैं काजू लिए हैं मैंने, और थोड़े मखाने लिए हैं मैंने, और पाइन एप्पल के पीस लिए हैं। अगर पाइन एप्पल नहीं है तो आप एप्पल भी डाल सकते हैं उसमें। और आपको ज़्यादा थोड़ा स्वीट पसंद भी है तो अंगूर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और प्याज को मैंने थोड़ा पानी में डुबा कर रख दिया है ताकि इसका जो तीखापन है ये थोड़ा कम हो जाए। तो हम प्याज और हरी मिर्च आपको जितनी चाहिए, और अदरक का टुकड़ा लिया है इतना, ये आप मुझे पीस ले लेंगे। और तब के हमारा पनीर फ्राई हो रहा है। प्याज मेरे पीस के हैं और इसी में मैं मगज का पीस डालकर एक बार और पीस लूँगी इसे ताकि ये चिकना हो जाए। ये हमारे पनीर फ्राई हो गए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें 2-3 इलायची, 2-3 लौंग, और थोड़ा जीरा, हम मखाने को फ्राई करके भी डाल सकते हैं लेकिन कच्चा ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पनीर भी आप अगर फ्राई ना करना चाहें तो ना करें फ्राई। अब ये जो मसाला है, मगज के बीज और अदरक और हरी मिर्च प्याज वाला, अब ये थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आने लग गया है इसमें, तो मैं इसमें पूरा फुल चम्मच पिसी हुई खसखस डालूंगी। इससे हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। अभी इसे हमें और थोड़ा फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी 2 टीस्पून करीबन क्रीम डालेंगे तो वो भी तेल छोड़ देगी, थोड़ा मसाला भी हमारा होने पर। ये मसाला थोड़ा चिपकता है। गाइस, एक क्विक रिव्यू है। पहले हमने पैन में डाला हमारा मगज के बीज और प्याज को पीस के, फिर जब हमारा हरी मिर्ची और अदरक के साथ, फिर हमारा जब वो हल्का सा सिक गया, तेल छोड़ दिया, तो हमने खसखस पिसी हुई डाली उसमें। और अब हमने डाली है क्रीम और एक बड़ी चम्मच दही। अब एक बड़ी चम्मच दही, थोड़ा सा, दो बड़ी चम्मच दही, टीस्पून। ये तेल छोड़ देगा अभी, उसके बाद फिर हम इसमें नमक और मसाले डालेंगे। अब हम नमक डालेंगे इसमें, तेल छोड़ने लगा है देखिए, और नमक डालेंगे जितना आपको लगता है, आप उतना डाल लीजिए नमक स्वाद अनुसार। नमक डाल दिया मैंने और डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला या मीट मसाला, जो भी आप डालना चाहें। सबका अपना अपना टेस्ट लेवल होता है। 1 चम्मच बेसिक है, आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं गरम मसाला, पर ज़्यादा नहीं डालें। इसमें लाल मिर्च और हल्दी नहीं डलेगी इस सब्जी में। और फिर हम डालेंगे तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से मैश करके। देखिए पूरा तेल बाहर आने लग गया है। बस 2-3 मिनट में
हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। देखिए अब हम तेल पूरा छूट गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा गोभी और मटर, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें काजू, और ये हम डालेंगे मखाने। क्वांटिटी आप किसी भी चीज की कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा और हमें इसे पकाना, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे हैं और फिर स्टीम देने के लिए रख देंगे। अभी फिर थोड़ा सा भी पानी डाल रही हूँ, फिर बाद में हम इसमें और, जब थोड़ा ग्रेवी ड्राई लगे तो पानी डाल लें, हल्की सी लटपटी होती है सब्जी। अभी हमारी सब्जी पकने में है, तेल पूरा ऊपर आ गया, तो हम इसमें डाल देंगे पनीर, और हम ये जो पानी और फिर इसे हम 2 मिनट और हम इसे स्टीम में पकने देंगे। ये हमारी सब्जी रेडी है, और इसे गार्निश करने के लिए मैंने तेल को गर्म करके रख लिया है, और फिर तेल जो लास्ट में हम डालेंगे, तेल ठंडा जब हो जाए तब इसमें लाल मिर्च का, ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल देना, नहीं तो गर्म रहेगा तेल तो ये जल जाए। अब इसे खाली करके आपको, गाइस चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। सो गाइस देखिए ये हमारी प्लेटिंग हो गई, और ये हमारा नवरत्न कोरमा रेडी है। इसे बनाएं, और डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे लगी आपको रेसिपी, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।